फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीषा। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस वेडिंग सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है वेडिंग आ गया है और मैं अपने चैनल पे हैशटैग वेडिंग सीरीज स्टार्ट की हूं, जिसमें मैं बहुत सारी साड़ी आप लोगों के साथ शेयर की हूं, लाइक हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन, वेडिंग लुक, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड आगे भी बहुत सारी ऐसी साड़ियों का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। सो अगर आपको साड़ियों और फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोग मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, चेक कीजिएगा कंटेंट। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे कलेक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड आपको अपडेटेड वहां भी मिल जाएगी। साथ ही मैं अपने साड़ियों की पोस्ट रील्स में वहां अपलोड करती हूँ। आई होप आप सबको वहां भी अच्छा लगेगा तो प्लीज मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज के कलेक्शन की। आज का जो कलेक्शन है वो टोटली वेडिंग वेयर कलेक्शन होने वाला है। वेडिंग के किसी फंक्शन में आप पहन सकते हैं, लाइक वेडिंग का रिसेप्शन हो, एंगेजमेंट हो या फिर आपका वेडिंग फंक्शन, उन सब में आप इन सभी साड़ियों को स्टाइल कर सकते हैं। आई होप आप सबको आज का कलेक्शन पसंद आएगा। और ये सभी मैंने परचेज किया है मीशो से, ये चीज मैं बोलना भूल ही गई थी। सो फ्रेंड्स ये सभी साड़ी जो है वो मैंने मीशो से परचेज किया है और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का कोड मिल जाएगा। साथ ही मैं वहां पे मीशो ऐप का डाउनलोड लिंक भी दे दूंगी। इन केस अभी तक आपने मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहां से मीशो ऐप डाउनलोड करके भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का कलेक्शन आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल साड़ियों का कलेक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स आज का फर्स्ट साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत सुंदर साड़ी है एंड मुझे लगता है ये मीशो की ट्रेंडिंग साड़ियों में से एक है, क्योंकि ये साड़ी मुझे लग रहा था मीशो पे काफी ज्यादा ट्रेंड करनी है एंड मैंने बहुत सारे लोगों को ये वेयर किए हुए देखा है, सेलिब्रिटी को भी मैंने वेयर किया एंड इस तरीके की जो ब्लाउज पीस इसके साथ है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सो पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये साड़ी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका ब्लाउज पीस। सो साड़ी जो है वो आपको मिल जाता है जॉर्जेट फैब्रिक में और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा सा स्काई ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, टील ब्लू बोलते हैं, आई डोंट नो इस कलर को क्या बोलते हैं, बट बहुत ही प्यारा सा कलर है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। सो ये साड़ी काफी सुंदर है, इसमें आप एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाती है, सिक्वेंस का काम है। पहले मैं आपको इस साड़ी को ओपन करके दिखाती हूँ, काफी खूबसूरत सी ये साड़ी है एंड लिटरली बहुत प्यारी लग रही है। सो ये है साड़ी का पल्ला, साड़ी का पल्ला आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। फैब्रिक में ही जो मशीन वीविंग होती है इतनी ब्रॉड सी बॉर्डर मिल जाती है आपको इस साड़ी में, मशीन वीविंग वाला बॉर्डर, और ये आपको मिलता है एम्ब्रॉयडरी जिसमें थ्रेड प्लस सिक्वेंस का एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, काफी प्यारी सी छोटी बड़ी बूटी इस पे वीविंग की गई है एंड इस साड़ी का जो पल्लू है उसके बॉर्डर में आपको ये बहुत ही प्यारा सा टैसल्स मिल जाता है, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की है। साड़ी का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, जॉर्जेट फैब्रिक है एंड इसका जो एम्ब्रॉयडरी का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छे फिनिशिंग किया है। पार्टी वेयर साड़ी है, या वेडिंग के ना एंगेजमेंट है, रिसेप्शन है, उसमें पहन के जा सकते हो, इवन आप बारात जा रहे हो तो भी पहन के जा सकते हो, काफी खूबसूरत सी ये साड़ी है एंड पूरा इसका जो पल्ला है ना एम्ब्रॉयडर्ड है, टॉप और बॉटम का जो बॉर्डर है साड़ी में आपको सेम मिल जाता है, काफी खूबसूरत सी ये साड़ी है। सभी का आप फुल लुक ट्रायन पार्ट में देख सकते हो, काफी दूर तक आंचल में ना ये फुल मिल जाता है। OMG इस साड़ी में फुल एम्ब्रॉयडरी की गई है, पूरे साड़ी में आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। यहाँ पे आपको हल्का सा प्लेन पार्ट मिलता है जो कि आप कमर में टक करोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे के प्लीट्स में ही ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, पूरा ऊपर तक पूरे साड़ी में ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, काफी खूबसूरत सा है। पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आया है इस साड़ी में, आप देख सकते हो काफी सुंदर सी ये साड़ी है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते। जितनी खूबसूरत ये साड़ी है उतनी ही खूबसूरत इस साड़ी का ब्लाउज पीस भी है, प्लीटेड फैब्रिक है ब्लाउज पीस का एंड इसका एम्ब्रॉयडरी भी काफी सुंदर है ब्लाउज पीस का, आप देख सकते हो सीक्वेंस प्लस जरी का काम मिल जाता है, काफी फाइन क्वालिटी है, बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी किया गया है इसके ब्लाउज पीस में। जब इसका ब्लाउज आप स्टिच करा लोगे काफी अच्छा लगने वाला है, बहुत ही प्यारा सा ये ब्लाउज पीस है और इसका जो स्टिचिंग हो जाएगा ना वो भी बहुत सुंदर लगेगा। 80 सेंटीमीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिलता है और पूरे ब्लाउज में ना ये छोटे छोटे जो सीक्वेंस और जरी का बूटी है वो आपको मिल जाता है, ये स्लीव्स पे जाएगा आपके और काफी सुंदर सा इसमें एम्ब्रॉयडरी किया गया है। मुझे इस साड़ी का ना ब्लाउज पीस भी बहुत खूबसूरत लगा, आप देख सकते हो कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी की गई है इसके ब्लाउज पीस में, बहुत ही प्यारा है। जब आप इसको स्टिच करा लोगे तो इस ब्लाउज के ये साड़ी का कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर जाने वाला है। सो कुछ इस तरीके के ब्लू कलर में आपको मिल जाता है ये ब्लाउज पीस जिसमें गोल्डन जिसमें सिल्वर जरी का काम मिलता है, गोल्डन सिक्वेंस है, बहुत ज्यादा येल्लो नहीं है बट हाँ गोल्डन टोन पे ही सिक्वेंस है एंड इसमें जरी सिल्वर जरी का काम है, काफी खूबसूरत सा ये ब्लाउज पीस है, डेफिनेटली आप इस साड़ी को परचेज कर सकते हो। मैं इस साड़ी के क्वालिटी और लुक को 10/10 पसंद की हूँ, आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट साड़ी दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, इस विंटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थिंग होता है हमारे फेस एंड बॉडी के लिए, वो होता है हमारा फेस एंड बॉडी का नरिशिंग। क्योंकि विंटर में हमारे जो स्किन होते हैं वो टोटली ड्राई हो जाते हैं, चाहे वो आपका स्किन टाइप ना कोई भी हो, विंटर में आपका स्किन जो है वो ड्राई हो ही जाता है। सो मैं यूज कर रही हूँ बहुत ही अच्छा नरिशिंग लोशन क्रीम, मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी ये मामा अर्थ का हनी मलाई कोल्ड क्रीम, है ना, ये बहुत ही प्यारा है, काफी अच्छा है। इसका जो नरिशिंग लोशन है ये आप फेस में भी यूज कर सकते हो, साथ ही बॉडी में भी, पूरे होल बॉडी यूज कर सकते हो, काफी अच्छी क्वांटिटी में भी आपको मिल जाती है, अफोर्डेबल प्राइस में भी है। वैसे भी हम विंटर में मलाई हनी जो है वो पुराने नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो काफी ज्यादा यूज करते हैं, वही सारा गुण आपको इसमें मिल जाता है मामा अर्थ के हनी मलाई नरिशिंग कोल्ड क्रीम में। मामा अर्थ जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा इसको रिसाइकल करते हैं, सो ये एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक फ्री है। इसका जो टेक्सचर है वो नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है, सो आपके फेस पे बिल्कुल ऑयली नहीं लगेगा। मैंने इस मेकअप लुक को करने से पहले इसको यूज किया था अपने फेस पे एंड बॉडी पे भी, सो ये काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है इसका, और ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, आप किसी भी स्किन टाइप को यूज कर सकते हो। साथ ही ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है एंड पिटा अप्रूव्ड भी है, क्रुएल्टी फ्री है, वेगन है, सो आप ये प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारा क्वांटिटी मिल जाता है इसके साथ, तो ये बॉडी लोशन आप ले सकते हो, काफी लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, साथ ही आपके फैमिली मेंबर बड़े हैं तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी काफी बेनिफिशियल दिए गए, कोकोनट ऑयल है एंड इसमें बहुत सारे आलमंड ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, नियासिनेमाइड है, मिल्क प्रोटीन है, मलाई है, हनी है, विटामिन सी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं जो हमारे स्किन के लिए, बॉडी स्किन के लिए, फेस स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छे। मैं एक वेडिंग में जा रही थी और मैं ये प्रॉपर रेडी हो रही थी, सोची क्यों ना आप लोगों के साथ बीच में ही, वीडियो के बीच में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, साथ ही आप ये वीडियो भी एंजॉय कर लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये परचेस करना चाहते हैं तो जरूर से परचेस करते हैं, इन सभी का बाइंग लिंक जैसे कि ये आपको ना पर्पल, नायका और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी पे मिल जाएंगे, साथ ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उनके वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, एंड साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SBM2022, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। ये जो मामा अर्थ हनी मलाई कोल्ड क्रीम है विद हनी एंड मलाई फॉर नर्सिंग स्किन के लिए, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा, साथ ही नरिश भी रखेगा, ड्राई पैसेस नहीं आएंगे और कंफर्टेबल भी रहोगे, ये आप इसके ऊपर मेकअप वगैरह भी कर सकते हो। सो काफी ज्यादा स्मूथ एप्लीकेशन भी है एंड काफी अच्छा है, बिकॉज मुझे ये पसंद आया, सो दैट मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप डेफिनेटली इसको भी ट्राई आउट कर सकते। अगर आप मामा अर्थ का प्रोडक्ट उनके वेबसाइट यानी कि मामा अर्थ के वेबसाइट से परचेस करते हो तो आपका ऑर्डर एक ट्री के साथ लिंक कर दिया जाता है, जो कि मामा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन पेड़ को लगाना, सो ये काफी अच्छा है हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। साथ ही आप मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप से भी परचेस कर सकते हैं, इसका ऐप भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, मैं इसके ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरा जो कोड है SBM2022 ये एप्लीकेशन पे और इनके वेबसाइट पे ही आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, मेरे कूपन कोड का एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही जो ऑफर चल रहे होंगे वो आपको मिलेंगे ही, बाद बाकी आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नायका, पर्पल से भी परचेज कर सकते हैं इसको, सो ये काफी अच्छा बेनिफिशियल है, आप एक बार परचेज करिएगा, यूज करिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये क्रीम, और काफी अच्छा है, लाइट वेट भी है एंड ऑयली नेश भी नहीं है इसमें, सो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारा क्वांटिटी मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लिया है, तो ये एक ब्राइडल दुपट्टा है और इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अभी तक आपने चेक नहीं किया तो प्लीज आके देखिए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दुपट्टा है, ये एक सभी सचे स्टाइल ब्राइडल दुपट्टा है, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड है, इस तरह की दुपट्टा आजकल बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है एंड बहुत सारे फैशन डिजाइनर ने बहुत सारे सेलिब्रिटी को इस टाइप का दुपट्टा वेयर कराया है, सो अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके रिलेटिव फ्रेंड में किसी की शादी है उसको आप सजेस्ट कर सकते हो इस टाइप का दुपट्टा लेना, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज आके आप उसे भी चेक कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, पार्टी वेयर साड़ी है और ये एक प्लीटेड साड़ी है जैसा कि आप देख रहे हो, इसे भी आप वेडिंग के किसी फंक्शन में पहन सकते हो, हल्की फुल्की साड़ी है, सिंपल एंड सोवर लुक आता है इसमें, सो अगर आप कुछ हैवी हैवी नहीं पहन रहे हो या फिर साड़ी शादी में जाते हो तो हैवी साड़ी पहनने के बाद आप कुछ लाइट में पहनना चाह रहे हो तो ये साड़ी ले सकते हो, बिकॉज इसमें आपको लुक भी अच्छा मिल जाएगा, वेडिंग वाइब भी मिल जाएगा एंड अफोर्डेबल प्राइस का भी है, कंफर्टेबल भी है, लाइट वेट भी है, पहनने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप इसको पहन के इजिली अपना वेडिंग फंक्शन का कोई काम है रिचुअल से उसे भी कर सकते हो। सो ये आपको साड़ी मिल जाता है आर्टिफिशियल मिरर के साथ, ये बॉर्डर मिल जाता है आपको रेड कलर का, यहाँ पे आपको पाइपिंग भी मिल जाता है, ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, सिंपल सोवर सिंपल बॉर्डर के साथ मिल जाता है, ये साड़ी का जो कलर है वो आपको टू टोन में मिल जाता है, लाइक आपको यहाँ पे ना पीची पिंक दिख रहा होगा, बेबी पिंक कलर, धीरे 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 ना ओम्बरे इफेक्ट में, ओम्बरे शेड में नीचे ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मरूनी सा रेड है, बहुत सुंदर लग रहा है ये कलर टोन
टोन भी मुझे और काफी अफोर्डेबल प्राइस की है और कलर टोन के हिसाब से ये साड़ी प्लेटेड है, उस हिसाब से भी मुझे बहुत सुंदर लगा ये साड़ी। लिटरली मैं बताऊं मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी ले सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस की साड़ी है। एंड इस साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो मलाई सिल्क डोला सिल्क जो होता है उस टाइप का है, काफी शाइन भी है इस साड़ी में। सो नाइट के फंक्शन में अगर आप पहनते हो तो बहुत ही सुंदर भी लगेगा। सो डेफिनेटली आप इस साड़ी को ले सकते हो, प्लेटेड साड़ी है और इस तरीके की प्लेटेड साड़ी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। सो उसी हिसाब से मैंने सोची कि ट्रेंडी साड़ी है तो लेना चाहिए, तो मैंने वही सोच के लिया है। सो काफी खूबसूरत सा साड़ी है, डबल टोन में भी आपको मिल जाता है रेड और पिंक में, तो ये आप ले सकते हो। इसके साथ बहुत ही सुंदर सा अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है ये ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का, और इस ब्लाउज पीस में आपको सेम वही बॉर्डर मिल जाता है। बॉर्डर की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी सी दी गई है जो कि आपके ब्लाउज के स्लिप्स में आ जाएगा, इतना सा बनेगा आपका स्लिप्स। काफी अच्छा बॉर्डर है, सेम वही बॉर्डर है जो आपकी आपको साड़ी में मिलता है। एंड ब्लाउज पीस के फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, ब्लाउज पीस के फैब्रिक में भी आप देख सकते हो बहुत प्यारी सी साइन है। सो इसका फैब्रिक का क्वालिटी भी अच्छा दिया गया है, अफोर्डेबल प्राइस में भी है, लाइट वेट है एंड सिंपल सोबर सी साड़ी है। आप डेफिनेटली साड़ी को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक साड़ी शेयर करना चाहूंगी जो कि मैंने सिल्क फैब्रिक में लिया है, बट जितना प्यारा इसका कैटलॉग देखा था मैंने उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इस साड़ी को देख के नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू दी प्राइस मैं बात करूं तो साड़ी की क्वालिटी अच्छी है, आप ले सकते हो। एक्चुअली होता है ना कि जो कैटलॉग देख रहे हैं सेम टू सेम वैसा तो नहीं मिलता, बट कैटलॉग से बट खराब बिल्कुल नहीं है, आप डेफिनेटली साड़ी को परचेज कर सकते हो। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है एंड इसमें गोल्डन जरी का विविंग मिल जाता है, पैठनी पंदादी साड़ी जो होता है ना उस टाइप की इसकी फैब्रिक की क्वालिटी है, फैब्रिक क्वालिटी इसका अच्छा दिया गया है। एंड इसमें बहुत सारे और भी कलर ऑप्शन है, मैंने इसे ग्रीन कलर में परचेज किया है। वैसे मुझे लग रहा था ना मैंने फिरोजी कलर ऑर्डर किया है, बट ये मुझे ग्रीन कलर में रिसीव हुआ है, ये कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो साड़ी का ये आपको पल्ला मिल जाता है, पल्ले में आपको गोल्डन जरी का विविंग मिल जाता है एंड बहुत सुंदर सा इसका जो है ना पल्ला का डिजाइनिंग है। यहाँ पे आपको ये लाइन वेरिएशन का बॉर्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी खूबसूरत सा फ्लोरल बूटी वाला ये बॉर्डर है, बीच में ये डिजाइनिंग मिल जाता है आपको पल्ले में, और ये ना आपको मिल जाता है बॉर्डर। साड़ी का जो बॉर्डर है वो सिंपल सा गोल्डन जरी का मिल जाता है एंड ओवरऑल पूरा साड़ी आपको फुल विविंग का मिल जाता है, गोल्डन जरी का विविंग, बीच में ब्लू और ऑरेंज ग्रीन कलर का जो है वो विविंग किया गया है फैब्रिक का। अगर आप इस टाइप की साड़ियां पहनना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। इसका जो बॉटम का बॉर्डर है ना वो ब्रॉड सा मिल जाता है आपको, बॉटम का बॉर्डर मुझे अच्छा लगा इस साड़ी का। सो कुछ इस तरीके का बॉटम का बॉर्डर है, काफी खूबसूरत सा है, डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। सभी साड़ी का आपको फुल लुक ट्राई ऑन पार्ट में दिख जाएगा। सो ओवरऑल पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की मिलती है, काफी सुंदर सी साड़ी है और ये आपको मिल जाता है ब्लाउज पीस, जो सिंपल जरी का वीविंग होता है वो ब्लाउज पीस आपको मिल जाता है, बट रनिंग बेस में ही टॉप और बॉटम में ना आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, नीचे में सेम यही बॉर्डर मिल जाता है ब्लाउज पीस में ही, रनिंग बेस में ही जैसा कि साड़ी में दिया गया सेम उसी तरीके का। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को भी ले सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छी क्वालिटी की साड़ी, प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो साड़ी की क्वालिटी सही है, आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक कुर्ती, कुर्ता कह लो आप कुर्ती, आजकल ना एक नाम सुना होगा आपने नायरा कट, नायरा कट करके यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स भी मैंने देखा था, काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और उसमें जो नायरा कट ड्रेस उन्होंने पहना था वो काफी खूबसूरत लग रहा था। सेम उसी से इंस्पायर्ड मुझे मीशो पे दिखा नायरा कट कुर्ती, तो मैंने उसको ऑर्डर किया था, बट वो जितना खूबसूरत उस पिक्चर में लग रहा था ना मुझे तो इतना ज्यादा पसंद आया, बट जब मैंने इसे एक्चुअली में रिसीव किया तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया है। ये देखा जाए तो कटिंग वगैरह डिजाइन तो उसी तरीके का है, बट इसका जो प्रिंटिंग का क्वालिटी है और इसका जो लुक है मुझे उतना ज्यादा पसंद ये नहीं आया है। वैसे तो कॉपी अच्छा कर लिया है, बट इसमें जो प्रिंटिंग है आप खुद देखो, आपको पता नहीं कैसा लगा। फैब्रिक का क्वालिटी तो रेयन कॉटन दिया है, फैब्रिक का क्वालिटी ठीक है प्राइस के हिसाब से, बट इसका जो प्रिंटिंग का क्वालिटी है वो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे इसके प्रिंटिंग क्वालिटी से। सो यहाँ पे ना 3/4 स्लीव्स मिल जाता है आपको एंड ये आपको मिल जाता है नेक पे, ये जो देख रहे हो आप गोल्डन कलर का ये फॉइल प्रिंट है, गोल्डन कलर का, ये वॉश होने के बाद तो पक्का जाना है। पर से ये ग्रीन कलर का जो आर्टिफिशियल मिरर लगाया हुआ है, इसके लगाने का थ्रेडिंग का क्वालिटी भी मुझे अच्छा नहीं लगा, साथ ही जो यहाँ पे आपको व्हाइट प्रिंट दिख रहा है ये इसका भी क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल यहाँ पे जो देख रहे हो आप बूटी, ये भी फॉइल प्रिंट का है, ये भी वॉश होने के बाद निकल ही जाएगा, साइड में जो है वही सेम क्वालिटी दिया गया, तो मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वैसे तो दोनों तरफ से है इसमें प्रिंटिंग किया हुआ है यहाँ पे ना इस तरीके से, अगर आप घर में पहन के रहना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो कि घर में हमको पहन के रहना है उस हिसाब से ले सकते हो, बाहर निकलने के हिसाब से काफी चीप क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है इस कुर्ता सेट की। सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये लो, बट नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है वो बहुत सुंदर है, वो अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा है, डेफिनेटली आप उसको परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है वो मेरा पॉली सिल्क फैब्रिक में मैंने परचेज किया है पर्पल कलर में, और ये काफी खूबसूरत है, इसको मैं बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था एंड ये आपको हर एक शॉपिंग साइट पे मिल जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, सभी पे आपको ये देखने को मिल जाएगी, बट मैंने शमीसो से लिया, क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। इसमें मैंने एम साइज परचेज किया, इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है,
एम साइज ही मुझे आता है, बट ये मुझे बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है। बॉडी में तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, बट वेस्ट में जो होता है वो वहां पे बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग हो रहा था। साथ ही इसका जो पैंट है वो मुझे अच्छे से आया भी नहीं, मैं उसको अच्छे से पहन भी नहीं पाई। काफी मुशक्कत तो मेहनत करने के बाद वो थोड़ा सा मुझे आया, बट बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था। तो उस मुझे लगता है ना इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इसका लुक वाइज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। सो आप देख सकते हो इसके नेक पे ना इस तरीके से जरी का काम मिल जाता है, ब्लू थ्रेड का काम है एंड गोल्डन जरी का काम मिल जाता है। राउंड सा नेक मिलता है आपको, काफी सुंदर सा इसका नेक है। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सुंदर है, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। सो अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो अगर आपका साइज एम है तो आप इसे एल में परचेस कीजिएगा, अगर आपका साइज एल है तो इसे एक्सएल में परचेस कीजिएगा, तभी आपको फिटिंग अच्छी आएगी। थ्री क्वार्टर स्लिप्स मिल जाता है आपको, स्लिप्स पे भी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, सेम जरी का काम है, ब्लू कलर का जो थ्रेड का काम है वो आपको मिल जाता है इसमें। तो काफी सुंदर सा है ये पीस एंड ये फैब्रिक क्वालिटी भी पॉली सिल्क है, अच्छा दिया गया है। ओवरऑल ये एक स्ट्रेट कुर्ती है, आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट है, ट्रायंगल पार्ट में आप देख ही सकते हो, पूरा पीछे से प्लेन है एंड नीचे में कोई यहाँ पे ना बॉर्डर पे काम वगैरह नहीं है। जो है सो इसके नेक में है एंड इसके स्लिप्स पे ही एम्ब्रॉयडरी की गई है। एंड इसके साथ जो पैंट मिलता है ना, पैंट अच्छी क्वालिटी की है एंड इसका जो मोड़ी है ना उस पर भी आपको सेम एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है जो इसके स्लिप्स पे आपको मिल रहा था। एंड इस पैंट में ना दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाता है, बहुत अच्छा दिया गया, दो पॉकेट मिल जाता है दोनों साइड से। एंड फैब्रिक का क्वालिटी भी सेम है जो कि आपको कुर्ते का मिलता है, इलास्टिकेटेड रबर के साथ मिलता है। एंड साइज ना आप एक साइज बड़ा ही लोगे तभी आपको आएगा, वरना आएगा भी नहीं। सो ये आपको पैंट स्टाइल में मिल जाता है। लेंथ भी काफी अच्छी दी गई है, एंकल लेंथ का पैंट है, क्वालिटी अच्छा है, इसकी स्टिचिंग क्वालिटी भी बढ़िया है, फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, अफोर्डेबल प्राइस का भी है सबसे बड़ी बात। सो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आता है, आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का मीशो हॉल वेडिंग स्पेशल, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं मनीषा मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।